नमस्कार, सत श्री अकाल, सवड्डी खप। मैं पवन मिश्रा आप सभी का इंडो थाई न्यूज़ के योगा टॉक में आज स्वागत करता हूं। आप सभी जैसा कि पिछले 6-7 एपिसोडों से देख रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग समस्याओं के बारे में मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी आप सभी को भले मैं तो कहूँगा इंडो थाई न्यूज़ की टीम से लेके और पूरे थाईलैंड के हमारे व्यूअर्स या इंडिया के जो व्यूअर्स हमें देखते हैं उनको गाइड कर रहे हैं अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस से, 20 सालों के जो साधना है उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। तो आज आँखों की समस्याएँ जो आजकल बढ़ती जा रही हैं, आँखों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके कुछ जो योग कराने से पहले वो एक दो मंत्रों से हमें बिल्कुल काम कर देते हैं और उसके बाद से जब आप साधना करते हैं, जब आप योग करते हैं तो उसका लाभ 2 गुना 4 गुना तक बढ़ जाता है। डिपेंड करता है आप कितने मन से उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कितने ध्यान से जो आसन ये बताते हैं उनको आप करते हैं, क्योंकि योग जो है वो आप जब तक मन से नहीं करेंगे, जब तक उसमें बिल्कुल लीन ना हो जाएंगे तब तक उसका लाभ पूरा आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए मिलते हैं मास्टर संजीव चतुर्वेदी जी से और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन मंत्रों के साथ में आज के एपिसोड का शुरुआत करें। नमस्कार सर। ठीक है, तो लेट्स सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। जी, किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं, चेयर पे भी आप बैठ कर सकते हैं। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कीप योर बॉडी स्पाइन अपराइट, हैंड्स ऑन योर नीज और ऑन योर थाई। अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर और थाई के ऊपर। फिंगर्स इन एनी मुद्रा, इंडेक्स थंब टचिंग ईच अदर एंड आईज क्लोज। अपने ध्यान को, अपनी सजगता को अपने शरीर पे रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल करें। रिलैक्स योर फिजिकल बॉडी, योर मसल्स, रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, योर आईब्रोज, योर जॉज, रिलैक्स योर नेक, योर शोल्डर्स, होल बॉडी। धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करें और शिथिल करें। रिलैक्स योर बॉडी और फिर अपने ध्यान को अपने श्वास पर श्वास पे लाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। सजगता को अपने शरीर और श्वास पे रखें और फिर अपने ध्यान को भ्रूमध्य के पास लाएं। बिकम अवेयर ऑफ योर आईब्रो सेंटर एंड विजुअलाइज अ फ्लेम और एनी पॉइंट ऑफ लाइट। 3 बार हम लोग एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे श्वास छोड़ते समय और फिर उसके बाद आप सभी मेरे बाद शांति मंत्र को दोहराएंगे। सो फॉर ओम इनहेल, सहनो भुनक्तो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। दोनों हाथों को हथेली को रगड़ें। रब योर पाम्स, मेक इट वार्म एंड कीप इट ऑन योर क्लोज आईज एंड देन ओपन योर आईज, लो योर हैंड्स डाउन, वेरी रिलैक्सिंग। सो अगर आप जैसे कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो कि हमको क्या करना है, तो आप चुपचाप बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखों को बंद कर ले। और इसको आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने काम को ऑफिस में करने से शुरू करने से पहले जब मॉर्निंग आप आते हैं, तो सो बैठ के अपने ध्यान को अपने शरीर और अपने सांस पे लाएं। और अगर आप मंत्र नहीं भी जानते हो, शांति मंत्र या कोई भी मंत्र, कोई भी मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, और सिर्फ ओम जी 5 से 10 बार 11 बार श्वास ले, श्वास छोड़ दे इसमें ओम। तो जब आप ये ओम का उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो ब्रेन में है अल्फा वेव जनरेट होता है। अल्फा वेव आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है जी। और जैसे कि ओम जो ओ करते हैं, तो उसमें अल्फा वेव जनरेट होता है। और जब ओ से मौ का जब उच्चारण होता है, तो वो अल्फा जो है थीटा वेव में चेंज हो जाता है। जब थीटा वेव आपके ब्रेन में, तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी जी। नो मौ आप देखेंगे, कोई भी मंत्रों का एक विज्ञान है, तो जो मौ शब्द है, मौ हर एक मंत्र में देखें, मौ का बहुत महत्व, लास्ट मौ मौ क्यों आप देखेंगे कि वर्ल्ड के किसी भी भाषा में आप देखेंगे कि जो माँ के लिए मौ शब्द है, मदर एनीथिंग, क्यों? क्योंकि जब हम अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, जो पहला शब्द सुनते हैं हम मौ, जो हार्ट बीट, माँ का हार्ट बीट, वो मौ, तो इसलिए मौ से हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं, मौ वर्ड से। तो जैसे ही हम मौ का उच्चारण करते हैं, क्या हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली, इमोशनली, काम क्वाइट हो जाते हैं, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करें। तो आप जैसे कि कोई भी लोग ऑफिस में काम करने से पहले, ये कोई भी काम करने से पहले, आप 5 बार ओम का उच्चारण ही कर लें। अगर आप और सभी मंत्र नहीं जानते हो, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, आप रिलैक्स मेंटली महसूस करेंगे जी। मां का तो ओम करने के बाद से जो अभी आपने कराया, उससे बड़ा ही रिलैक्स महसूस हुआ। अभी जो समस्या है, जो आज का टॉपिक है आई प्रॉब्लम, तो आजकल कॉमन हो गई है, बच्चों में भी ये आई प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या रीजन? वो देखिए, उसका कारण एक तो ये हेरिडिटी भी होता है, माँ बाप को या किसी को हो तो उससे भी बच्चों में आता है। और फिर दूसरा है कि आजकल ज्यादा देखें कि बच्चे लोग या कोई भी लोग, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, घर में सभी लोग वो मोबाइल, कंप्यूटर, आईफोन, आईपैड, वीडियो गेम्स में रहते हैं। तो उसके कारण आए जो हमारे आंखों पे गलत प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे आंखों को मन का द्वार कहा गया है जी, ना, विजुअल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारे मन पे। कोई चीज सुनते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोई अगर देख लेते हैं अपनी आंखों से, तो उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है जी। तो जो भी अगर आप आंखों पे, आंखों को जो भी आप आंखों से देखेंगे करेंगे, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो आजकल जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, उसके कारण तो है ही मोबाइल को यूज करना, रात में अंधेरे में मोबाइल को देखना, या कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम करना, ये लाइट ठीक ना होना आसपास, इसके बहुत सारे कारण है। तो अगर हम लोग उसके प्रति सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीजों का ख्याल करेंगे, थोड़े से कुछ छोटे छोटे अभ्यास का डेली हम लोग अगर नियमित रूप से करेंगे, तो हम अपने इन समस्याओं से, जो आंखों की जो समस्या, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं जी। तो जो प्रिवेंटिव टेक्निक हैं इसके, वो ये सब जो आप आज बताने वाले हैं, जो इनके उपाय, तो इसमें सिर्फ है ये कि थोड़ा सा प्रिकॉशन ये कि अगर ऑलरेडी आपको कोई सीवियर आंखों में समस्या हो, या कैटरैक्ट, मोतियाबीन की ऑलरेडी शिकायत हो चुकी हो, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही आप करेंगे। या अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल के फिर आप इन अभ्यासों को करेंगे। तो अभी जो कंप्यूटर और मोबाइल ज्यादा लोग देखते हैं, क्या वो भी एक रीजन है इसका? वो तो अभी बहुत ज्यादा, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है अभी आजकल जो है, लाइक घर में जाना, बाहर नहीं जाना, नहीं जैसे बाहर हम लोग जाते हैं, तो जैसे हम लोग पहले घास पे आप चलिए थोड़ा सा, जो तलवे पे आपका जो घास का जो सुबह सुबह का जो ओश है, उसको भी आपके आंखों पे प्रभाव पड़ता है। तो जो भी बने, जो भी जैसा भी आपका लाइफ स्टाइल होगा, उससे आपके आंखों पे प्रभाव, फिर आंख पे अगर कुछ समस्या होगी, तो अब वो आपके मन को भी प्रभावित करेगा।
वो मैं बेसिकली मैं देखता हूँ, जिस दिन ज़्यादा मोबाइल देख लेते हैं उस दिन दिमाग थोड़ा सा हिला हिला सा रहता और है, उस दिन आप और देखिए कि आपको क्लियर देख भी नहीं नहीं पाएंगे, नहीं दिख पाता है। आप कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको हाँ, धुंधलापन दिखाई देगा। धुंधलापन दिखाई देता है, तो ये मोबाइल देखने की वजह से मोबाइल होता से भी है। होता है, और कंप्यूटर सर कंप्यूटर जो वो जो कंप्यूटर से जो रे आता है आपके आंखों पे, जी डायरेक्ट गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेम हाइट पे ना देखें, है जी ना, सेम हाइट पे ना रहें, और एक ही आप एक ही लाइक इसमें आप कर देखते रहते हैं। तो इसलिए रहता है कि आप एक साथ लगातार कुछ भी ना करें। अगर जी आपका एकदम ध्यान से एक ही चीज कर रहा है तो उसका आंखों पे गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रेशर प्रभाव। पड़ेगा, और फिर आपके मानसिक रूप से भी समस्या आएगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, माथा में भारीपन होगा, हेडेक आएगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत मतलब उससे जुड़ी समस्याएं, आप और भी समस्याएं हो जाएंगी आपको। जी तो इसका सोल्यूशन क्या है ये? सोल्यूशन ये कि अच्छा इसमें क्या कि बहुत जैसे खान पान जो बैलेंस डाइट नहीं होता है, जैसे ग्रीन हरी पत्ती सब्जियां फल वगैरह खाना चाहिए, जी जैसे पालक का साग हुआ, या ग्रीन जो भी ग्रीन जो हरी जी सब्जियां वो फायदा करते हैं इसमें। और फिर अगर आपको कंप्यूटर यूज करना है, मोबाइल यूज करना है, करें, लेकिन दूरी बना के रखें, और बीच बीच में अगर गैप देते लगातार आप 1 घंटा 2 घंटा बीच बीच में आप गैप लेके थोड़ा सा रिलैक्स करें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे जी आपके आंखों को रिलैक्स करना है। अच्छा, जी आंखों पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके फेशियल मसल्स पे भी झुर्री होंगे, अच्छा रिंकल्स आ जाएंगे, और मानसिक रूप से आप स्वस्थ, जलन होगा, आंखों में जलन की जी समस्या होगी, आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, रेस्टलेस आप महसूस करेंगे नो। तो ये सब भी जी समस्या आप धीरे धीरे जो मैं भी आपको अभ्यास बताऊंगा वो बिल्कुल सिंपल इजी है। आप बीच बीच जी में हर एक 1 घंटा 2 घंटा पे आप ऑफिस में भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं टू रिलैक्स योर आईज मसल। जैसे कुछ जी लोग लाइक दूर की चीज देख पाते हैं क्लियर, लेकिन नजदीक की चीज नहीं देख पाते हैं। कुछ जी लोग है कि नजदीक का चीज देख पाते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। जैसे आप जी ड्राइव करते तो ठीक से सामने ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, तो जी क्या होगी, आंखों में समस्या होगी, तो आपको सजगता भी कम होगी। जी तो थ्रू आंखों की ये जो अभ्यास में आप देखेंगे और करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सजगता भी बढ़ रही है, और आप ओके अलर्ट और एक्टिव महसूस कर रहे हैं मेंटली। मेंटली। तो आंखों की समस्या से बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं, और जो कि आजकल ज़्यादा मोबाइल और टीवी लोग देखते हैं, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, तो इस समय में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है इस टाइप के व्यायाम, जो योग क्रियाएं जो होती हैं, इसको व्यायाम में नहीं काउंट कर सकते हैं, ये तो योग क्रियाएं हैं और बड़ी छोटी छोटी और बहुत लाभदायक क्रियाएं हैं। तो आप लोग आज देखते हैं मास्टर संजीव जी क्या बताते हैं, और आप लोग भी करें और इसके बारे में बताएं, आप कमेंट भी करें, हमें भी बताते रहें कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए, योग क्रियाएं देखने के बाद फिर बात करते हैं आपसे, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते, स्वादी खाप। मैं संजीव चतुर्वेदी एंड सी सिल्विया। आज का जो अभ्यास है, आज के वीक का जो अभ्यास है, वो अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल, जो कि कॉमन समस्याएं हैं सभी के लिए, वो हमारी आँखों के लिए। तो हम अपने आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आँखों की रोशनी को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि इवन बच्चे लोगों को आजकल ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है, हमेशा वो दिन भर मोबाइल में रहते हैं, या बड़े लोग कंप्यूटर पे रहते हैं, नोटबुक लैपटॉप पे रहते हैं, या जो कि ज़्यादा पेपर वर्क करते हैं, और कम रोशनी के कारण आँखों पे उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आज का जो अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, आप रेगुलर रूप से इसको कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल अभ्यास है, आप रेगुलर करें इसे, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमको बीमारी से बचना है। ऐसा नहीं कि आप बीमारी का वेट करें और फिर जब हो जाए तो फिर आप उसको ठीक करें और डॉक्टर के पास जाएं। तो बहुत ही अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें और अपने हर एक अंग को स्वस्थ रख सकें। तो जो आज जो मैं आपको बताऊंगा कुछ अभ्यास, जिसको अगर आप करेंगे रेगुलर रूप से तो आप अपने आँखों को बचा सकेंगे। और सर्टेनली सिर्फ ये अभ्यास ही जरूरी नहीं, आपको अच्छे जो डाइट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपके किसी परिवार में हेरिडिटी भी ये होता है कि आँखों की समस्याएं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर आप अच्छा डाइट लेंगे, जैसे ग्रीन हरी सब्जियां खाएंगे या और भी जो विटामिन का लेंगे, तो आपके आँखों पे ये बहुत ही अच्छा पावर डालता है। लेकिन
योग के द्वारा भी आप उसको ठीक कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं कुछ अभ्यास आपको बताऊंगा, सिल्विया आपको दिखाएगी, आप इसको ध्यान से देखें, समझें और फिर आप उसको अपने आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा बुरा अगर आप अपने आप से भी करेंगे। सिर्फ एक है कि अगर आपको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम है या मोतियाबिंद कैटरेक्ट ऑलरेडी है या आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो इस अभ्यास को ना करें, कॉन्टैक्ट लेंस को हटा दें। या अगर सीवियर आईज में कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इन अभ्यासों को आप करें। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत ऐसी समस्या है, दूर का दिखना और नज़दीक का दिखना में कोई समस्या है, तो आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला अभ्यास, इसको कैसे करेंगे, तो आप चाहे तो जमीन पर बैठ जाए, मैट पर बैठे, या आप चेयर पे बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं जिनको पाँव में समस्या, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, और फिर किसी भी आराम से अभ्यास बैठेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और हेड को भी सीधा रखेंगे। तो जो पहला अभ्यास है उसमें आप बिल्कुल हेड को, अपने सिर को स्थिर रखेंगे और सिर्फ अपनी आँखों को घुमाएंगे, आई बॉल को ऊपर नीचे करेंगे। सो आई अप डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे, कीप डूइंग, ऊपर नीचे आप देखेंगे धीरे धीरे, ऊपर की तरफ देखेंगे सीलिंग की तरफ और फिर नीचे जमीन की तरफ, बट लेकिन आपका हेड जो है, सिर बिल्कुल स्थिर रहेगा, उसको सिर को नहीं हिलाएंगे। फिर कुछ देर 10 से 20 बार करने के बाद फिर देन राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, मतलब दाहिनी और बाईं ओर देखेंगे, दाहिनी और बाईं ओर 10 से 20 बार। उसके बाद फिर चारों तरफ घुमाएंगे सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, अप अप राइट डाउन लेफ्ट, चारों तरफ घुमाएंगे ना, सर्कुलर देखेंगे, ऊपर देखेंगे साइड में फिर नीचे साइड, सो चारों तरफ क्लॉकवाइज करेंगे और फिर एंटी एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मींस आप 10 बार सर्किल में देखेंगे, अपने अपने आई बॉल को घुमाएंगे सर्कुलर एंड देन रिलैक्स। जब आप ये अभ्यास करेंगे, देखें कि ज़्यादातर जो आंखों की समस्याएं होती है वो आंखों के जो मांसपेशियां वो कमजोर होने पे, वीकनेस होने पे, तो जब आप ये रोटेशन करेंगे अप एंड डाउन और सर्किल में, तो जो आँख की मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होगी और आपको आंखों की समस्याओं से बचा के रखेंगे, जो दूर का दिखना, पास का दिखना, नहीं दिखना, ये सब समस्याएं से आप आराम से बच जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा अभ्यास है, इसको थोड़ा सा और हाथों से सहायता लेके भी कर सकते हैं, दोनों हाथ को स्ट्रेच योर बोथ आर्म्स इन फ्रंट एंड कीप योर थम्स हियर एंड यू लुक एट द टिप ऑफ द थंब। तो पहले दाहिनी तरफ स्लोली ब्रिंग योर राइट हैंड टू योर साइड एंड कीप लुकिंग एट द राइट हैंड थंब और देखेंगे आप अपने थंब के टिप को देखेंगे, बट आपका हेड जो है स्थिर रहेगा, देन कम बैक स्लोली बट कीप लुकिंग एट द टिप, अपने थंब के टिप को देखते रहेंगे आंखों से, तो आपका आंख जा रहा है साइड, फिर बीच वाला, फिर लेफ्ट के साइड, और आप सिर्फ थंब के जो टिप है उसको देखते रहेंगे, आपका आंख आपके थंब के टिप को देख रहा है, जहां तक आप देख सकते हैं जाएंगे, wherever यू कैन गो एंड देन स्लोली कम बैक। तो इसको आप करेंगे 5 बार दाहिने तरफ से, 5 बार बाएं तरफ, अगेन वन मोर टाइम कैन यू शो टू योर राइट साइड। ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके आंखों के रेंज के मूवमेंट को बढ़ाएगा और आंख की जो मांसपेशियां उसको मजबूत बनाएगा, आप फील करेंगे, आप आंखों पे प्रेशर महसूस करेंगे। लेकिन ये सभी अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर टू योर लेफ्ट साइड, तो दोनों तरफ से आप करेंगे and then slowly come back, keep looking at the tip of your thumb and then slowly you can lower your hands। थोड़ा सा हर एक अभ्यास करने के बाद थोड़ा देर, कुछ सेकेंड के लिए, 4-5 सेकेंड के लिए आप रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद जो तीसरा अभ्यास है वो भी बहुत ही अच्छा है, दूर और पास की चीजों को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, स्पेशली जो लोग कार ड्राइव करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और ये अभ्यास, और एक चीज़ और बहुत ही अच्छा है कि जो आंखों का जो अभ्यास है ये आपके माइंड को भी डायरेक्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आईज इज द डोरवे टू द माइंड,
माइंड तक पहुंचने के लिए आईज ही द्वार है, आईज जो है वो द्वार है माइंड तक, मन तक पहुंचने के लिए। तो ये जब अभ्यास, आंखों का अभ्यास करते हैं, इससे आपका मन भी शांत होता है, कंसंट्रेट होता है, रिलैक्स होता है। तो जो नेक्स्ट अभ्यास है वो, अगर आप रेस्टलेस है आपका माइंड, बहुत सारा एंग्जाइटी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। देन व्हाट यू विल डू, यू स्ट्रेच योर राइट हैंड फ्रंट और इसको आप अपने आंखों की सीध में रखेंगे और आप अपने थंब के जो टिप है, टॉप ऑफ द टिप ऑफ द थंब, उसको देखेंगे और ब्लिंक नहीं करेंगे, आंखों को बिल्कुल स्थिर रहेंगे और धीरे धीरे क्लोज लाएंगे, क्लोज लाएंगे आप अपने नोज टिप के पास, नोज का जो टिप है वहां पे लाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको दूर ले जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। बट लेकिन आपका ध्यान कहां रहेगा, कहीं नहीं, सिर्फ टिप ऑफ द थंब और फिर क्लोज आएंगे। जब क्लोज आएंगे तो आंखों पे आप प्रेशर महसूस करेंगे। तो इसको अभी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, दूर ले जाएंगे लेकिन आपका जो आंख बिल्कुल से, और हो सकता है कि आपके आंखों में पानी आए और प्रेशर महसूस, जलन थोड़ा सा महसूस, लेकिन डरेंगे नहीं, करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आंखों को, पलक को झपकाए नहीं, आंखों को ब्लिंक नहीं करें और फिर देन यू रिलैक्स। नाउ अगेन आफ्टर 5 to 10 times यू कैन डू एंड देन यू रिलैक्स। हो सकता है कि आप बीच में पलक आपका झपक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका जो आंख है बिल्कुल स्थिर रहे, ब्लिंकिंग ना करें आप, और अगर पानी आने लगे तो धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे और फिर से इसको करेंगे। धीरे धीरे करने के बाद आप देखेंगे कि आपका मन भी बहुत शांत है। अगर आप आंखों को कंट्रोल करेंगे आप मन को भी शांत रख सकते हैं, आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और खासकर आजकल तो आंखों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो अगर आप ये सब करते हैं बिल्कुल ऐसे, इसमें से हो सकता है आप सभी ना कर सके तो कुछ 2 या 3 चुन लें और समय मिलने पर इसको कभी भी कर सकते, ऐसा नहीं कि सुबह में करें या शाम में या रात में, आप इन अभ्यासों को कभी भी कर सकते हैं। ना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभ्यास है, देखते हैं कि आप कलर का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो या बहुत बहुत सारे स्ट्रेस के कारण भी आपकी आंखों में बहुत थकान महसूस होती हो, लंबे समय तक काम करने के कारण और कम लाइट में काम करने के कारण आंखों में बहुत थकान, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और अच्छा अभ्यास है ब्लिंकिंग, जस्ट ओपन और बंद करना। तो इसमें क्या करेंगे, ओपन एंड क्लोज टाइटली, ओपन क्लोज कीप डूइंग इसको आप, जस्ट ओपन एंड क्लोज करना है आपको, कुछ नहीं करना, जस्ट ओपन एंड क्लोज आप 10 बार करें, 20 बार करें और देखेंगे धीरे धीरे आपका आंख भी रिलैक्स हो रहा है और फेशियल मसल्स भी रिलैक्स हो रहा है। जब आपको बहुत सारे स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, तो आपका वो फेशियल मसल्स पे भी दिखता है थकान, रिंकल्स के रूप में, झुर्रियां के रूप में। तो ये जब अभ्यास आप करेंगे तो आपकी जो झुर्रियां भी कम होगी, रिंकल्स खत्म होगा और टाइटनेस आएगा आपके पूरे फेशियल मसल्स में, और ये आंखों के लिए बहुत ही, आप बहुत ही क्लियर दिखेगा आपको अगर ये अभ्यास आप करेंगे, बहुत ही आपको क्लियर विजन होगा, कलर आप कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और रातों में भी आप देख सकते हैं आराम से अगर इसको आप रेगुलर करें। ना कुछ देर करने के बाद 10 बार 20 बार 25 बार रिलैक्स, नाउ यू रिलैक्स। बट इस अभ्यास को करने के लिए, इन अभ्यास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को पहनकर इन अभ्यासों को नहीं करेंगे आप। और अगर आपको सीवियर कुछ प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही इन अभ्यासों को करेंगे। उसके बाद एक अभ्यास और है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसको आप सुबह में जब सोकर उठते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। उसको क्या है, उसको बोलते हैं पामिंग। So rub your palms together and when you feel heat, जब आपको गर्मी महसूस हो तो अपने धीरे से अपने आंखों पे रखेंगे इसको थोड़ी देर तक और वो हीट को महसूस करेंगे। Keep doing for few more times, रगड़ेंगे इसको और जब आप गर्मी महसूस करें, हीट महसूस करें, तो आप उसको अपना, इसको आप 5 से 10 बार करेंगे। ये पामिंग भी आपकी आईज को एनर्जी सप्लाई करता है और जो डार्क सर्किल्स होता है आंखों के पास उसको भी ये कम करेगा और जो रिंकल्स होता है उसको भी कम करेगा। और ये पामिंग जब आप करते हैं तो ये आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, आप बहुत ही अलर्ट और एक्टिव महसूस करते हैं मेंटली क्विकली। और जैसे आप सो के उठते हैं और आप लेजीनेस डलनेस महसूस करते हैं, उठने का मन नहीं होता है ऑफिस जाने का, तो आप इसको उठ के और कर लें 5 से 10 बार, क्विकली आप अलर्ट एंड एक्टिव महसूस करेंगे। तो ये जो है डायरेक्ट आईज का अभ्यास मैंने आपको बताया, लेकिन आप दो अभ्यास और भी कर सकते हैं जो कि आपके माइंड के लिए भी अच्छा और आईज के लिए, दोनों चीज के लिए अच्छा है। तो उसको, वो एक्चुअली मुद्रा है, एक है शांभवी मुद्रा उसको बोलते हैं, दूसरा नासिकाग्र मुद्रा। तो उसमें क्या करना कि इसी तरह बैठे रहेंगे और देन यू स्लोली
look at your eyebrow center here for a few seconds. And if you cannot look anymore, if you feel tiredness or water coming, pani aane lage aankhon se, to dheere se, then you slowly come down and look at the tip of your nose. So nose tip pe dekhenge thodi der, phir thakan na lagne lage, aankhon mein pani aane lage, to phir relax karke upar, then eyebrow center. So aap apne eyebrow center ko 3 second, 4 second, 5 second or even jyada der tak aap de sakte, or then your nose tip. तो जो आईब्रो सेंटर को देखते हैं उसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा. ये बहुत ही पावरफुल है आपके कंसंट्रेशन के लिए, आपके मेमोरी के लिए, आपके माइंड के लिए. और फिर नासिकाग्र दृष्टि, नोज टिप पे देख रहे हैं. तो ये अभ्यास नॉट ओनली आपके आंखों के लिए अच्छा है, आंखों के मसल्स के लिए अच्छा, बट आपके माइंड के लिए भी होता है. तो इसको भी आप शांभवी मुद्रा, आईब्रो सेंटर को देखना 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और इवन ज्यादा, और फिर नोज टिप को, नासिका के अग्रभाग को देखना. तो इसको इसको बोलते हैं नासिकाग्र मुद्रा. तो ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस. ये सभी अभ्यास बिल्कुल इजी है, आराम से आप कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के. और आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, या आप चेयर पे, या आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं. बच्चों के लिए भी ये सभी अभ्यास बहुत ही अच्छा है, ताकि देखते हैं आजकल बच्चे लोग को भी ग्लासेस, चश्मा पहनने लगे. तो अगर आप इन अभ्यासों को करवाएंगे तो बच्चे लोगों को भी आंखों के लिए ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक अभ्यास है. तो धन्यवाद, आई होप आप लोग करेंगे इसको और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे. फिर नेक्स्ट वीक हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे आपके लिए. नमस्ते, धन्यवाद. मुझे आशा है कि आप लोगों को जो आंखों के ये जो छोटी सूक्ष्म क्रियाएं बताई गई हैं, या जो योग के जो प्रकार बताए गए हैं आंखों की समस्याओं के लिए, आपको पसंद आया होगा. आप लोगों ने किया भी होगा, नहीं किया है तो फिर करें. ये वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगी हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी मिलेगी. तो आप हमारे यूट्यूब पेज को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा फेसबुक पेज पे आपको आप कभी भी देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आंखों की समस्याओं में थोड़ा सा लाभ मिलेगा और इसको लगातार करने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं. तो मास्टर संजीव जी, जो ये क्रियाएं आपने बताई, जो इतना तरीके से आपने आसान भाषा में कहें, आसान भाषा में आपने समझा दिया, तो इसको करने से पहले या करने के बाद में कोई प्रिकॉशन या कुछ चीजें? इसमें यही प्रिकॉशन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ आपको ऑलरेडी कोई समस्या हो या कोई सर्जरी वगैरह आपने करवाई हो आंखों की, या ऑलरेडी कैटरेक्ट मोतियाबंद की शिकायत हो गई हो जी, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही करें. बाकी सभी लोग कर सकते, थोड़ी बहुत समस्या जिसको दूर की और पास की प्रॉब्लम है तो वो सभी लोग कर सकते हैं. और सिर्फ अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल के इन अभ्यासों पर. और इसमें मैंने ऑल्सो दो जो है मुद्रा का अभ्यास को जोड़ दिया, एक शांभवी मुद्रा और एक नासिकाग्र मुद्रा. वो आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा. जो बच्चा जैसे आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत इधर उधर जाता है, तो ये सभी अभ्यास आप करें और विद इन वन वीक आप पाएंगे कि आप बहुत ही शांत और पीसफुल महसूस कर रहे हैं मेंटली. जी, तो जैसा कि मास्टर संजीव जी ने बताया, इसमें शांभवी और एक नासिका मुद्रा का प्रयोग है, वो भी आप करें. और बाकी जो जो सूक्ष्म क्रियाएं बताई गई हैं जो करने के लिए, उनको करें तो आपको आंखों की समस्याओं से निजात मिल सकता है. आपको धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट, योग एक दिन में आपको प्रभाव नहीं दिलाएगा, योग को करना पड़ेगा, लगातार आपको करते रहना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसा कि मास्टर संजीव जी ने मुझे बताया हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लाभ होगा, क्योंकि मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ. मैंने भी इसको धीरे धीरे करके आज 6 महीने में मुझे उससे फर्क और लाभ महसूस हुआ, और वही रीज़न है कि आज इंडोथाई न्यूज़ पे हमने मिल के ये पहल की कि हम इसको सबके सब जो जनमानस हैं, जो हमारे नॉर्म जो नई योग सीखने आ पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी घर बैठे ही इसको सीख पाएं और लाभ उठा पाएं. सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने आप अपना वक्त दे रहे हैं, बट आशा करता हूँ
सिर्फ वक्त देखने में ना दें, इसको करते रहें। आप करें और इससे लाभ उठाएं, तब हमारा जो मुहिम है, जो हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम को लाने का, वो सफल हो पाएगा। आप अपने सीखें, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और बाकी लोगों को मोटिवेट करें, और थोड़ा थोड़ा करने के लिए धीरे धीरे करें और सभी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य और आप देखेंगे कि ये जो हम लोग का प्रयास है इंडोथान योग और डिवाइन योग, देखें कि जैसे मेरे हमसे बहुत सारे लोग सीखते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स मीट वर्ल्ड आपने देखा जी, होगा जी, जी। और बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो हम लोग किसी मॉडल एक्ट्रेस को यूज नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग देखें हमको जी। आप योग मत करें दूसरे को देखकर, आप योग करें अपने आप के लिए, खुद के लिए। तो आप देखते हो कि जो हम लोग जिनको यूज भी कर रहे हैं वो कॉमन है, वो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं जी। उनको मैंने पैसा देकर मॉडल के लिए बुलाया नहीं है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। तो दूसरा करता है इसलिए हम योग करेंगे नहीं, आप खुद अपने लिए कीजिए। और क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का ये एक प्रयास है। सबसे सुख बड़ी बात होती है जीवन में निरोगी काया, और जो कि इस माध्यम से जो मास्टर संजीव जी बता रहे हैं इसके माध्यम से हमको मिल सकता है। शत प्रतिशत गारंटी है कि अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। तो करिए और हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लगता है, आप कर पा रहे हैं, कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई तकलीफ आती है तो उसके बारे में लिखें, तो हम आगे उसका भी उस समस्या का समाधान मास्टर संजीव जी के द्वारा बताया जाएगा आपको। तो धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।